क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर एक नंबर सीरीज है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा? देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो नंबर्स है इन नंबर्स के अंदर रिलेशन को देखना है। सबसे पहले देखिए 15 है, उसके बाद 25 है, तो 15 से 25 कैसे बनेगा? देखिए 15 के साथ मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, ठीक है। अभी माइनस 5 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25, ठीक है। उसके बाद अभी देखिए 25 से 40 कैसे बनेगा? अभी 25 के साथ मल्टीप्लाइड बाई 2 करना है तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। अभी 50 से माइनस 10 करना है, माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पर 40 आ जाएगा, ठीक है। पहले माइनस 5 उसके बाद माइनस 10, अभी क्या होगा? देखिए 40 इंटू 2 करना है तो यहाँ पर 80 आ जाएगा। 80 से अभी माइनस 15 करना है तो यहाँ पर हो जाएगा 65, ठीक है। 65 भी आ गया। उसके बाद देखिए 65 इंटू 2 करना है तो यहाँ पर आ जाएगा 130, ठीक है। 65 इंटू 2 इजिकल टू 130 माइनस अभी 20 हो जाएगा, तो माइनस 20 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 110, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर हो जाएगा 110। उसके बाद 195 कैसे आएगा? देखिए 110 के साथ मल्टीप्लाइड बाई 2 करना है तो यहाँ पर आ जाएगा 220, ठीक है। 220 से अभी माइनस 25 करना है तो यहाँ पर आ जाएगा 195, ठीक है। 195 भी आ गया, तो मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर हो जाएगा 110, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर एक नंबर सीरीज है, यहाँ पर लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर होगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो नंबर्स है इन नंबर्स के अंदर रिलेशन को देखना है। सबसे पहले देखिए 13 है, उसके बाद 25 है, तो 13 से 25 कैसे बनेगा? देखिए 13 के साथ अगर प्लस 1 इंटू 12 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13 प्लस 12 इजिकल टू 25, ठीक है। उसके बाद देखिए 25 से 61 कैसे बनेगा? देखिए 25 के साथ प्लस अभी 3 इंटू 12 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 प्लस 3 इंटू 12 इजिकल टू 36, ठीक है। 25 प्लस 36 इजिकल टू 61, ठीक है। उसके बाद देखिए 61 प्लस अभी 5 इंटू 12 करना है, ठीक है। तो ये पर 61 प्लस 5 इंटू 12 इजिकल टू 60, ठीक है। तो 61 प्लस 60 इजिकल टू 121 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 205 है, तो मतलब 121 के साथ प्लस अभी 7 इंटू 12 करना है तो ये पर हो जाएगा 121 प्लस यहाँ पर 7 इंटू 12 इजिकल टू 84, ठीक है। 121 प्लस 84 इजिकल टू 205 आ जाएगा, ठीक है। 205 भी आ गया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? देखिए अभी 205 के साथ प्लस 9 इंटू 12 करना है, ठीक है। तो 205 प्लस 9 इंटू 12 इजिकल टू 108, ठीक है। तो 205 के साथ 108 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 313, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह 313 आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर जो नंबर्स है इनमें से ऑड कौन सा है वो पूछा गया है, मतलब यहाँ पर एक ऑड नंबर सीरीज है, यहाँ पर ऑड कौन सा है वो हमें ढूंढना है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो नंबर्स है इन नंबर्स के अंदर रिलेशन को समझना है पहले। देखिए 3 है, उसके बाद 7 है, 3 के साथ अगर प्लस 2 स्क्वायर करेंगे, 2 स्क्वायर मतलब यहाँ पर 4, तो 3 प्लस 4 हो जाएगा तो इजिकल टू 7 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 के साथ अभी 3 स्क्वायर करेंगे, 7 के साथ 3 स्क्वायर मतलब 7 प्लस अभी 3 स्क्वायर इजिकल टू 9, तो 7 प्लस 9 इजिकल टू 16, ठीक है। 16 भी आ गया। उसके बाद देखिए 16 के साथ अभी क्या करना पड़ेगा? अभी 4 स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 16 प्लस 4 स्क्वायर इजिकल टू 16 इजिकल टू 32 आ जाएगा, ठीक है। यह तक तो करेक्ट है। अभी उसके बाद 56 कैसे आएगा? देखिए अभी 32 के साथ 5 स्क्वायर हो जाएगा, तो 32 प्लस 5 स्क्वायर इजिकल टू 25 इजिकल टू 57 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए 56 है, मतलब यहाँ पर 56 यहाँ पर ऑड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 93 कैसे आएगा? देखिए यहाँ पर 57 के साथ अभी 6 स्क्वायर करना है, 6 स्क्वायर इजिकल टू 36, मतलब 57 प्लस 36 इजिकल टू इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 93 आ जाएगा, ठीक है। 93 आ गया। उसके बाद 142 भी ऐसे ही आएगा, मतलब यहाँ पर 93 के साथ प्लस 7 स्क्वायर करना है तो यहाँ पर 93 प्लस 7 स्क्वायर इजिकल टू 49, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 142 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये जो 57 आया है, यहाँ पर 57 के जगह यहाँ पर 56 है, तो मतलब ये 56 ऑड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर होगा? देखिए यहाँ पर जो नंबर्स है इन नंबर्स के अंदर रिलेशन को देखेंगे पहले। यहाँ पर 4 है, उसके बाद 8 है, तो 4 से 8 कैसे बनेगा? देखिए 4 के साथ अगर
टू स्क्वायर ऐड करेंगे तो मतलब यहाँ पर 4+4 हो जाएगा इजिकल टू 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अभी 8 के साथ अभी 4 स्क्वायर ऐड करेंगे, 8 के साथ 4 स्क्वायर मतलब 8+16 हो जाएगा इजिकल टू 24 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद अभी देखिए 24 के साथ अभी +6 स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर 24+6 स्क्वायर इजिकल टू 36 इजिकल टू 24+36 इजिकल टू 60 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, देखिए 60 के साथ अभी 8 स्क्वायर ऐड करना है, तो यहाँ पर 60+8 स्क्वायर इजिकल टू 64, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 128, ठीक है, यहाँ पर 124 आ जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह 124 आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आएगा। उसके बाद देखिए 224 कैसे आएगा, अभी 124 के साथ +10 स्क्वायर करना है, 10 स्क्वायर इजिकल टू 100, तो 124+100 हो जाएगा इजिकल टू 224 आ जाएगा, ठीक है, तो मतलब ये क्वेश्चन मार्क की जगह 124 आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर भी एक नंबर सीरीज है, यहाँ पर लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो नंबर्स है इन नंबर्स के अंदर रिलेशन को देखना है। पहला नंबर देखिए 2 है, उसके बाद 3 है, तो 2 से 3 कैसे बनेगा, देखिए 2 के साथ अगर 1 का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब ऐड करेंगे मतलब जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2+1=3, ठीक है। उसके बाद 3 के साथ अभी 2 स्क्वायर ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3+4=7, ठीक है। अभी 7 के साथ अभी 3 क्यूब ऐड करेंगे, तो 3 क्यूब ऐड करेंगे तो 7+27 हो जाएगा, तो यहाँ पर 34 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अभी 34 के साथ अभी 4 स्क्वायर ऐड करना है, तो 34+4=16, तो 34 के साथ 16 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 50 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर होगा, देखिए 50 के साथ अभी 5 क्यूब ऐड करना है, तो यहाँ पर 50+5=125, ठीक है, तो 125+50=175, तो मतलब ये क्वेश्चन मार्क की जगह 175 आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर भी एक नंबर सीरीज है, लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करना होगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम 2 से शुरू करके कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, तो 2 के बाद 3 आता है, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23, उसके बाद 29, उसके बाद 31, उसके बाद 37, ठीक है, ऐसे है। तो देखिए पहला नंबर जो है 5, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट 2 प्राइम नंबर को यहाँ पर अगर जोड़ेंगे, 2+3 कर देंगे, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3rd और 4th ये दोनों प्राइम नंबर्स को अगर जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 5+7=12 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 5th और 6th ये दोनों प्राइम नंबर्स को अगर जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 24 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7th और 8th प्राइम नंबर को अगर जोड़ेंगे, मतलब 17+19 करेंगे, तो यहाँ पर 36 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह 9th और 10th प्राइम नंबर को जोड़ना होगा, अगर 23 के साथ 29 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 52, ठीक है। तो मतलब ये क्वेश्चन मार्क की जगह 52 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन को अगर समझने में कोई दिक्कत हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन को आपको फिर से समझने का, ठीक है। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम इसी टाइप को और भी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे।